हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सब ठीक होंगे। कमेंट करके मैं ज़रूर बताइए कि आप सब कैसे हैं। तो देखिए, यहाँ पे ना मैं दोपहर के लंच के लिए ये फलियाँ जो है ना, तो ये साफ़ मैं कर रही थी। तो ऐसे ही मैं बैठी हुई थी तो सोचा मैं ये भी साथ में साफ़ कर लेती हूँ। तो ये छोटी छोटी फलियाँ होती हैं, तो आपने भी देखी होंगी। तो ये छोटी साइज़ होती है, एक तो बड़ा साइज़ होता है ना फलियों का, तो ये छोटे साइज़ की होती हैं, मटर जैसी। तो इनको ऐसे ना, इनके रेशे निकाल के, तो फिर इनको ऐसे तोड़ तोड़ के ना, तो आलू में डाल के ना, तो बनाओ ना, तो बड़ी सुंदर बनती है। मैं इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर दूँगी जब बनाऊँगी। तो ये एक दिन पहले की वीडियो थी, तो दूसरे दिन, उस दिन फिर मैं कोई भी ब्लॉग जो है वो नहीं शूट कर पाई। तो ये अब फिर बाकी जो वीडियो है वो अगले दिन की थी। तो ये ना सारी फलियां जो है ना, मैं इसी तरह से साफ़ कर लूँगी धीरे धीरे। इसको टाइम लगता है पर खाने में जो है ना वो उतने ही टेस्टी होती हैं। ओके, कितना टाइम ले रही है साफ़ होने में। तो इसी तरह करके मैंने सारी फलियां जो हैं वो साफ़ कर दी थी। तो फिर ये ना, ये वीडियो जो है ना वो अगले दिन मॉर्निंग का है। तो यहाँ पे मैंने सारा काम जो है वो ख़त्म कर दिया था, तो अभी सिर्फ पोछा लगाना बाकी था। और उसके बाद मैंने किचन आज जो है ना वो सारी क्लीन की है, सारे डिब्बे वगैरह निकाल के सब कुछ अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो सब कुछ क्लीन करने के बाद ही मैं ये पोछा लगा रही थी। पोछा मैंने सबसे लास्ट में लगाया था, तो रूम में मैंने लगा दिया है, तो ये हॉल में भी लगा दूंगी। तो कपड़े वगैरह भी मैंने धो के जो है ना वो रख दिए हैं अभी। तो अभी छत पे मैं जाऊंगी उन्हें सूखने डालने के लिए। तो ये कपड़े जो है ना, ये मैंने सुबह ही धो के जो है ना, साथ साथ में मैं काम कर रही थी, साथ साथ में कपड़े जो है ना वो मशीन में धुल रहे थे, तो ये सारे धुल चुके थे। तो मैं अभी इनको छत पे जो है ना वो फैला दूंगी, क्योंकि धूप तो अभी अच्छी खासी है। एक या दो घंटे में ना अच्छे से कपड़े जो है वो सूख जाते हैं। तो ये कंबल का कवर वगैरह जो है, बेडशीट वगैरह जो है, तो ये सारी मैंने जो है ना वो धुली थी। तो अभी तो मैंने गर्म कपड़े जो है ना वो थोड़े बहुत रख दिए हैं। तो हस्बैंड जाते हैं कभी कभी, जैसे स्कूटी वगैरह पे जाते हैं ना सुबह जल्दी, तो फिर ठंड वगैरह लगती है, तो उनके जैकेटें वगैरह जो है ना वो अभी रखी हुई हैं, तो उनके गर्म कपड़े हैं। तो बाकी मैंने आज अपने जो है ना वो सारे जो है वो रख दिए थे धोकर। तो आज मैंने अपने जो गर्मियों वाले कपड़े हैं ना वो सारे निकाल दिए थे। तो ये बस इनके हस्बैंड के ही रहे हैं, तो वो भी थोड़े दिन के बाद जो है ना तो वो मैं डाल दूँगी। तो यहाँ पे ये सारी चादरें वगैरह जो हैं वो मैंने अच्छे से फैला दी हैं। उसके बाद यहाँ पे दीवार पे भी जो कपड़े बचे हुए थे तो वो फैला दूँगी। और प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आज की छोटी सी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी मेरी न्यू वीडियो हो उसके नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपको मिले। और अदर वीडियो जैसे कटिंग, स्टिचिंग, रेसिपी के रिलेटेड सारे लिंक जो है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो दो दिन से मेरी वीडियो जो है वो नहीं आ रही थी, तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं वीडियो जो है वो नहीं बना पा रही थी। तो यहाँ पे सारे कपड़े भी मैंने फैला दिए हैं, और कपड़े फैलाने के बाद, उसके बाद हम रात को जो है ना वो राशन का सामान लेके आए थे, क्योंकि सारा सामान जो है वो ख़त्म हो चुका था। तो वो सारा सामान भी अभी मुझे डिब्बों में जो है ना वो भर के रखना है। तो ये सारे डिब्बे जो मैंने बाहर सूखने के लिए डाले थे, तो ये मैं अंदर लेके आ रही हूँ। तो ये बोरे में जो है ना वो राशन का सामान है सारा ही। तो ये मैं सारा ना थोड़ा थोड़ा करके जितना जितना डिब्बों में आता है उतना रख लूँगी, बाकी जो एक्स्ट्रा होगा ना तो वो बकेट में भर के जो है वो रख लूँगी। तो अभी मैंने नहा लिया है, नहाने के बाद खाना वाना खा के फिर उसके बाद, अभी सुबह 12 बज रहे थे तो 12 बजे मैंने नाश्ता किया था। तो अभी ये सारा सामान जो है, तो ये सारा बाकी एक्स्ट्रा सामान जो है ना वो निकाल रही थी मैं, तो ये सारा बकेट में जो है ना वो भर के रख दूंगी, क्योंकि पूरे महीने का होता है तो फिर डिब्बों में तो इतना नहीं भर पाते हैं। तो जब ये वाला ख़त्म हो जाएगा फिर डिब्बों में दोबारा जो है ना वो मैं भर लूँगी। तो इसी तरह से, क्योंकि काफ़ी दिन से राशन का सामान जो है ना वो ख़त्म हो रहा था, तो ये मैं सारी दालें वगैरह जो है ना तो ये मैं भर ली हूँ। तो ये डिब्बी जो है ना वो मेरे वो 1.5 किलो के हैं, यानी कि 1.5 किलो के हैं। तो ये सारा सामान बनने के बाद अभी मैं कर रही हूँ अपने लिए दूध गर्म। तो ये दूध जो है ना, ये गुड़ वाला दूध है, जैसे गाय की डिलीवरी हुई होती है ना जल्दी चलती थी, जो दूध होता है ना, तो वही वाला।
तो ये वाला दूध ना देखिए जैसे ही गुड़ डाल के बॉयल आता है ना तो ये ऐसे फटना से स्टार्ट हो जाता है, तो ये काफ़ी टेस्टी और हेल्दी भी होता है पीने के लिए। तो ये गर्म हो चुका है। गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे हैं हम सब? आशा करते हैं कि सब ठीक होंगे। कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आप सब कैसे हैं। तो देखिए किचन मेरी जो है वो सारी अच्छे से, मैंने सारे डिब्बे वगैरह साफ करके अच्छे से लगा दी है। अभी मैंने चढ़ाए हैं शाम के लिए और रात के डिनर के लिए राजमा। तो आज ना सारा दिन जो है वो काम में ही चला गया, तो कुछ राशन का सामान लाई थी ना, तो मैंने सोचा कि किचन सारी साफ करके फिर ही राशन का सामान जो है वो डालूंगी मैं। अभी चाय शाय हमारी हो चुकी है, तो चलिए फिर करते हैं छोटी सी वीडियो को यही पे एंड। दो दिन से मेरा ब्लॉग नहीं आया था क्योंकि कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ब्लॉग जो है मैंने बना पाई थी। तो प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आज की छोटी सी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी मेरी न्यू वीडियो हो उसके नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए फिर करते हैं छोटी सी वीडियो को यही पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।